नहीं, हम किसी को नहीं पहचानते। ये सिर्फ और सिर्फ, मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ कि पानी छोड़ देने से हुआ है। पानी छोड़ने से तमाम पब्लिक भ्रम में आ गई और उन्होंने ये कहा कि बगैर किसी सूचना के खुदाई कैसे हो रही है। एसडीएम कौन थी ये? संबल, एसडीएम संबल, एसडीएम संबल ने जिद की वहाँ पर कि इसका पानी खाली कराया जाए, जबकि एसपी महोदय और डीएम महोदय ये कह रहे थे कि नहीं, डंडे से नाप लो। जैसे ही पानी छूटा, तमाम पब्लिक में भ्रम फैल गया कि उसकी जामा मस्जिद की खुदाई हो रही है। आप लोगों ने समझाया पब्लिक को, आप लोगों की तरफ से? हम लोग चूँकि मस्जिद सर्वे, मस्जिद परिसर में मौजूद थे और हमने अनाउंस भी किया, पब्लिक को समझाया। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक और कहना चाहूँगा कि पूरी तरीके से ये एसडीएम संबल और सीओ संबल की साजिश से हुआ है। सीओ संबल ने क्या किया? सीओ संबल ने ये किया कि जिस टाइम भीड़ इकट्ठा हो रही थी पानी को देखकर कि वहाँ भ्रम की स्थिति है, खुल रही है, तब उन्होंने उनसे, सीओ साहब से ये मालूम करने की कोशिश करी कि आखिर जामा मस्जिद में क्या हो रहा है। तो उन्होंने उन्हें गालियाँ दी और लाठी चार्ज करा दिया और ये भी कहा कि अगर ज़्यादा सवाल जवाब करोगे तो सबको ठोक दूंगा। सिर्फ ये पैनिक जो फैलाया है सीओ संबल और एसडीएम संबल ने फैलाया है। सदर साहब, जब एसडीएम जो हैं डीएम साहब के अधीन है और जब डीएम मना कर रहा है तो उन्होंने फिर उनका मतलब कैसे कहना मान लिया एसडीएम का? फिर से जवाब सवाल करें। डीएम के एसडीएम अधीन है, हाँ है, और डीएम ये मना कर रहा है कि मेजरमेंट नहीं होगा, डंडे से नाप लो, और एसडीएम जोर दे रही, तो क्या डीएम साहब ने उस बात कोई उनको? कुछ नहीं, जो मेरे सामने मैं वहाँ मौजूद था, उन्होंने डीएम साहब ने और एसपी साहब ने ये कहा कि नहीं, इसकी गहराई जो है वो आप डंडे से नाप लें। वो नहीं मानी, बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा, फुव्वारा चल रहा था कि इसे भी बंद कीजिए। तो हमने उनसे ये कहा कि ये तो चलता ही रहता है। अच्छा सदर साहब, जैसे आपने अनाउंस किया था, आपके पक्ष की जो भीड़ थी आपके समझे और आप सम्मानीय व्यक्ति हैं, आपने अनाउंस किया कि सर्वे पूरा हो गया है और अब कोई बात नहीं है, कहा था सब मस्जिद अनाउंस हुआ था, तो फिर ये भीड़ क्यों नहीं मानी आपके समझाए को? भीड़ इसलिए नहीं मानी कि भीड़ ये समझ रही थी कि अंदर खुदाई चल रही है, अंदर खुदाई चल रही है, उन्हें कोई समझाने वाला नहीं था। मैंने ही अनाउंस करके उनसे शांति बनाए रखने की अपील की है, उनसे ये कहा कि आप लोग अपने अपने घरों को जाएं, किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा शोर शराबा ना करें। ये मेरे अनाउंसमेंट की रिकॉर्डिंग सबके पास है। जो अनाउंसमेंट हुआ था उसके अंदर आपने ये कहा था कि एएसआई की जो सर्वे है वो पूर्ण हो गया है और उसके बाद ही पत्थरबाजी हुई, ऐसा हुआ? हाँ, देखिए आइए, आपका 19 तारीख को जो हुआ था सर्वे वो पूरा हो चुका था। आप अभी कहते रहिए, आप कहते रहिए, वो पूरा हो चुका था। उसके बाद ये डीएम महोदय ने अनुमति दी है, कोर्ट की कोई अनुमति नहीं थी, कोर्ट ने एक बार दिया था। उसके बाद जो हिंदू पक्ष है उन्होंने ये मांग रखी कि सर्वे चूके रात थी, बहुत पब्लिक थी, हम पूरा नहीं कर पाए हैं, ये डीएम को दिया उन्होंने दरख्वास्त और इस पर हमें फिर से सर्वे करने की इजाज़त दी जाए। तो ये कोर्ट का आदेश नहीं था बल्कि डीएम साहब का आदेश था कि सर्वे दूसरा के कर लिया जाए। उन्होंने हमें नोटिस रिसीव कराया, उन्होंने हमें डीएम साहब, सॉरी सीओ साहब ने और एसडीएम साहब ने हमें इतला दी कि हम इसके, हमारे पास दरख्वास्त आई है और हम इसका सर्वे करवाएंगे, लेकिन अभी डीएम साहब ने कोई परमिशन नहीं दी है, हम रात के 11 बजे तक आपको बताएंगे। उन्होंने हमें रिसीव कराया है, सूचना रिसीव कराई है, लेकिन उन्होंने यही कहा कि डीएम साहब इसकी परमिशन नहीं देंगे क्योंकि ये कोर्ट से ही दूसरा के आएगा। लेकिन उसके बावजूद भी 11 बजे जब मुझे पत्रकार महोदय ने बताया, एक पत्रकार महोदय ने, कि सुबह को सर्वे होना है, तब हमने इन लोगों से पूछा कि भाई ये तो सुबह को ही होना है, वरना मीडिया को कैसे पता चला? हमने एसडीएम साहब से कहा कि ये मीडिया बता रही है कि सुबह को 7 बजे और आप ये कह रहे हैं कि अभी कोई वो नहीं है, आपको सिर्फ सूचना दी जा रही है। तो हमें भी भ्रम में रखा गया, हमें भी भ्रम में रखा गया, हमने किसी से नहीं कहा। प्रशासन ने आपको गुमराह किया? प्रशासन ने पूरी तरीके से गुमराह किया, प्रशासन ने और पुलिस ने। हाँ, मैंने की थी, वो ये था कि मैं मौके पर उस टाइम गया था, मुझसे डीएम साहब ने कहा था, एसपी साहब ने कहा था कि आप मौके पर जाएं और भीड़ को आप सेटिस्फाई करें। मैं गया था, तब मेरे सामने डीआईजी महोदय, एसपी और डीएम आपस में ये डिस्कशन कर रहे थे कि तुरंत
गोली चलाने का आर्डर लिया जाए। कौन कर रहे थे? एसपी साहब थे, डीएम साहब थे और डीआईजी साहब थे। मैं उस टाइम वहाँ मौजूद था, तब मैंने ये सोचा कि अब गोली चलने ही वाली है। मैंने पब्लिक से अपील की, बहुत ज़्यादा अपील की, वहाँ पहुँचकर भी अपील की, लेकिन 75% लोग वापस चले गए। कुछ लोग यही सोचते रहे कि खुदाई अभी भी जारी है, ये खुदाई क्यों हो रही है। तो मैंने फौरन ही अनाउंस किया कि गोली चलने के आदेश मिल चुके हैं पुलिस प्रशासन को, लिहाजा मेरी गुजारिश है अल्लाह के वास्ते, खुदा के वास्ते, सारे लोग हट जाएं, चले जाएं, अपने अपने घरों को चले जाएं, शांति बनाए रखें। उसके बावजूद भी कुछ लोग वहाँ ये जानने के लिए रहे कि क्या वाकई में जामा मस्जिद की खुदाई हो रही, और किसी लिए नहीं, इसलिए।